राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सिलोक्सी शेड्स हेयर कलर का रिव्यू करूंगी। ये हेयर कलर कैसा है और इसका हेयर पर कैसा कलर आता है, इसका फुल डेमो और इस कलर की नॉलेज के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्यूटी हट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। इस पर मेंशन है नो अमोनिया परमानेंट हेयर कलर क्रीम, और इसके अलावा इस पर इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें केराटिन प्रोटीन भी है। अब इस बॉक्स को ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। इसमें कलर क्रीम ट्यूब है, एक डेवलपर बॉटल है, दो कलर लॉक शैम्पू पाउच हैं, दो कंडीशनर हैं, एक पेयर इन्होंने पॉलिथिन ग्लव्स का दिया हुआ है और एक लीफलेट है। सिलोक्सी कंपनी का ये शेड नंबर 4.0 है, ये नेचुरल ब्राउन शेड है। अब इस कलर को मिक्स करते हैं। कलर को मिक्स करने के लिए आपको प्लास्टिक या कंच का बाउल ही लेना है, कोई भी मेटल का बाउल नहीं होना चाहिए। अपने बालों के अकॉर्डिंग आप इस क्रीम को निकाल लें। नॉर्मल हेयर के लिए ये आपका दो बार कलर चल जाता है। आप इसमें से आधी ट्यूब निकाल लें और आधा डेवलपर मिक्स कर लें। क्रीम को और डेवलपर को सेम रेशियो में ही मिक्स करना चाहिए, यानी 50-50 दोनों का रेशियो होना चाहिए। दोनों को बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है। मिक्स बहुत अच्छे से करेंगे तभी इसका अच्छे से कलर आता है। कलर बालों में अप्लाई करने से पहले अच्छे से क्लीन होने चाहिए, यानी ये शैम्पू वॉश होने चाहिए और इस पर कंडीशनर नहीं होना चाहिए, ना ही ऑयल और डस्ट होनी चाहिए, और बाल बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, गीले भी नहीं होने चाहिए। अब आप मेरे ग्रे हेयर देख सकते हैं। हाथों में ग्लव्स पहन के आप बालों पर कलर अप्लाई करें, नहीं तो आपके फिंगर्स पे और आपके नेल्स पे इसका कलर आ जाएगा। आप छोटी छोटी पार्टिंग निकाल के और उसमें कलर को अप्लाई करते जाएं। मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, आप चाहें तो ग्लव्स पहन के अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। इस हेयर कलर का MRP 150 रुपीज़ है और इसकी शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है। वैसे तो इसकी बॉक्स पर मेंशन है कि आपको इस कलर को 45 मिनट्स के अराउंड रखना है, बट मैंने देखा है कि अगर आप ब्लैक कलर हेयर्स में अप्लाई करते हो तो आपका आधे घंटे में ही कलर आ जाता है, लेकिन अगर आप नेचुरल ब्राउन कलर रखते हो तो आपको लगभग 1 घंटा इस कलर को रखना चाहिए, तभी आपका एक्चुअल शेड आता है। और फर्स्ट टाइम में इसका थोड़ा कलर इतना नहीं दिखाई देता, जब आप सेकेंड टाइम यही वाला शेड यूज़ करते हैं तब ज़्यादा अच्छा आपको इसका कलर दिखाई देगा। जैसे मैं अपने हेयर्स में इस कलर को अप्लाई कर रही हूँ, ऐसे आप भी अपने हेयर में कलर को अप्लाई करके अच्छे से इसे टाई अप कर लें। पहले तो मैंने ब्रश से ही इसे अपने हेयर में अप्लाई किया, बट जहाँ जहाँ थोड़ा रह गया था वो मैंने अपनी फिंगर से ही इस कलर को अपने बालों में अप्लाई कर लिया था, और अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे बालों में इस कलर को लगा लिया है। और लगभग 1 घंटे बाद मैंने इसे पानी से वॉश किया है, क्योंकि इस पर कंपनी ने मेंशन किया था कि आप 1 दिन बाद वॉश करें, और 1 दिन बाद मैंने शैम्पू से वॉश करने के बाद इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। बालों में काफ़ी अच्छी शाइन भी आ गई थी, जैसे कि इस पर मेंशन है कि इसमें केराटिन प्रोटीन भी है, तो काफ़ी बाल भी स्ट्रेट से लग रहे थे। और इस कलर को अप्लाई करके मुझे किसी भी तरह की कोई इचिंग भी नहीं हुई। मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा हेयर कलर और एक अच्छा शेड है। आप भी चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, बट अगर किसी की स्किन थोड़ी एलर्जी वाली है तो पहले इसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। इस हेयर कलर को मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर देख लेना। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक फॉर वॉचिंग।